everyone, welcome to Yashoda Academy. Dear students, आज हम पढ़ने वाले हैं present perfect continuous tense. देखिए present perfect continuous tense क्या होते हैं? सबसे पहले इसका hint देखेंगे. इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तथा कार्य का जारी रहना पाया जाता है, ठीक है, और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया होता है, ठीक है. इसमें क्या होता है, इसमें बाउंडिंग्स होती हैं, जैसे कि 2 घंटे से कार्य चल रहा है, ठीक है, या 2 बजे से कार्य हो रहा है. तो इसमें कार्य जारी तो रहता है पर कार्य जारी रहने का समय दिया होता है, जैसे कि राम 3 बजे से पुस्तक पढ़ रहा है, सीता 2 घंटे से खाना खा रही है, कुछ इस टाइप से, ठीक है. तो इसके सबसे पहले रूल्स देखेंगे. रूल नंबर 1, इन वाक्यों में और क्या होता है, इन वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन का यूज होता है. सिंगुलर नाउन के साथ हैज बीन लगाते हैं हम और प्लूरल के साथ हम हैव बीन लगाते हैं. तो चलिए देखते हैं. रूल नंबर 1, ही शी इट या अदर सिंगुलर नाउन के साथ has been का यूज होता है, ठीक है. रूल नंबर 2, ये ही शी इट या हमारे जितने भी सिंगुलर नाम होते हैं, जस्ट लाइक दैट राम सीता गीता कुछ भी किसी का नाम भी हो सकता है, तो जितने भी सिंगुलर नाम होते हैं सबके साथ हम has been का यूज करते हैं. अब देखेंगे रूल नंबर 2, यू वी दे कोमा आई या अदर प्लूरल नाउन के साथ यू वी दे कोमा आई या अदर प्लूरल नाउन के साथ आई को भी हम प्लूरल फॉर्म में ही रखते हैं, हैव बीन का यूज होता है, ठीक है. अब रूल नंबर 3 देखेंगे. रूल नंबर 3 है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, सेम एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरह. जितने भी कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस होते हैं उनमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का यूज करते हैं. तो लिखेंगे इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है. तो यहां तक सभी बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद इसके 2-3 रूल और हैं वो आपको लिखवाने वाले हैं. नोट करें सभी बच्चे. देखिए रूल नंबर 4, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का यूज होता है. पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम को हम निश्चित समय बोलते हैं, जैसे कि मंडे, ठीक है, ये रफली करा रही हूँ थोड़ा सा, मंडे है, ठीक है, और 1990 कोई ईयर का नेम दे दिया है, इवनिंग है और मॉर्निंग है, तो ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है जिसको निश्चित बोलते हैं, निश्चित समय के लिए. जैसे कि राम सोमवार से पुस्तक पढ़ रहा है, सीता 1990 से इस मकान में रह रही है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम है, तो इसको हम पॉइंट ऑफ टाइम बोलते हैं, जिसको हम निश्चित समय कहते हैं हिंदी में. तो इसके लिए हम सिंस का यूज करते हैं, तो इसको इरेज कर देंगे. नंबर 5 है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए
यूज होता है? देखिए, पीरियड ऑफ टाइम होता है अनिश्चित समय, जो एग्जैक्ट टाइम ना हो, ठीक है। जैसे कि राम 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो ये एग्जैक्ट नहीं है। अगर होता 2 बजे से खाना खा रहा है तो एग्जैक्ट होता, वो है 2 घंटे से खाना खा रहा है, तो क्लियर नहीं है। जैसे कि 1 वीक या 2 वीक्स, ठीक है, 1 मंथ, तो ये सारे एग्जैक्ट टाइम नहीं है, इनको हम पीरियड ऑफ टाइम बोलते हैं, अनिश्चित समय। तो इनके लिए हम फोर का यूज करते हैं, ठीक है। अब डालेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस, इसके बाद डाल लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंस डालेंगे सभी बच्चे। इसके बाद इसका फॉर्मूला लिखवाने वाले हैं हम। देखिए फॉर्मूला है इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हमारी हैज या हैव, प्लस बीन। देखिए यहां जरा एक बार ध्यान से देखेंगे, मैं हैज बीन और हैव बीन लिख सकती थी, लेकिन मैंने दोनों को अलग अलग लिखा है। ये आपको नेगेटिव में समझ में आएगा कि मैंने अलग अलग इनको क्यों लिखा है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस आ जाएगा टाइम, ठीक है। सिंस या फॉर प्लस टाइम। तो यहां तक फॉर्मूला एक बार सभी बच्चे रीड करें, उसके बाद आपको एग्जांपल कराते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, देखिए फॉर्मूले में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है हमारा हम, इसको लिखेंगे हम वी, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, हैज या हैव पुट करेंगे हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी हैव, क्योंकि वी हमारा प्लूरल नाउन है, ठीक है। वी हैव, उसके बाद प्लस बीन, तो बीन लगा देंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कार्य क्या हो रहा है, क्रिया क्या हो रही है, हम 2 बजे से क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिया हो रही है खेलना, खेलने को बोलते हैं हम प्ले। अब इसमें लगेगी आईएनजी, तो ये हो जाएगा प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, वी हैव बीन प्लेइंग द क्रिकेट। उसके बाद सिंस या फॉर में से हम कोई भी एक पुट करेंगे, ठीक है, वो रूल नंबर 4 और 5 के अकॉर्डिंग हम पुट करने वाले हैं। देखिए 2 बजे से, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है 2 बजे से, तो सिंस का यूज होगा, और सबसे लास्ट में हम टाइम लगाएंगे, प्लस में टाइम है, कितना टाइम है, सिंस 2 o'clock, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट करें इस सेंटेंस को, उसके बाद एक एग्जांपल और कराते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2, मैं 2 घंटे से, पहले 2 बजे से था पहला एग्जांपल, ये है मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं, मैं 2 घंटे से अपना पाठ याद कर रहा हूं। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सबसे पहले फॉर्मूले में है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट है हमारा मैं को लिखने वाले हैं हम आई, तो ये भी आपका प्लूरल नाउन है, तो आई के साथ भी हम हैव का यूज करने वाले हैं, आई हैव। आफ्टर दैट फॉर्मूले में बीन है, तो यहाँ पे हम बीन पुट करेंगे, आई हैव बीन। उसके बाद वर्क फर्स्ट, क्या वर्क हो रहा है, याद करना, उसमें लगेगी आई एन जी, तो याद करने को हम बोलते हैं लर्न, उसमें आई एन जी लगने के बाद वो लर्निंग हो जाएगा, आई हैव बीन लर्निंग। ऑब्जेक्ट क्या है, पार्ट, अपना
अपने की आएगी माई, आई के साथ अपने की माई आती है। I have been learning my lesson after that since your fourth put करेंगे हम, देखिए दो घंटे से, तो ये है आपका, देखिए इस रूल के अकॉर्डिंग पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय है, तो इसके लिए हम फोर का यूज करेंगे। आई हैव बीन लर्निंग माय लेसन फोर, और सबसे लास्ट में देखिए फॉर्मूले में है टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा टाइम। आई हैव बीन लर्निंग माय लेसन फॉर 2 hours, ठीक है। तो ये सभी बच्चे नोट करेंगे, उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस में कराने वाली हूँ आपको, नोट करें सभी बच्चे। देखिए अब हम पढ़ने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो नेगेटिव सेंटेंस में हम नोट का यूज करते हैं, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए फॉर्मूला, फॉर्मूले में फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस नॉट, प्लस बीन। देखिए मैंने एफर्मेटिव में मैं ऐसा लिख सकती थी कि हेल्पिंग वर्ब हैज बीन, ऑब्लिक हैव बीन, ठीक है, लेकिन मैंने इन दोनों को अलग अलग इसलिए लिखा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में दोनों अलग अलग होते हैं, ठीक है, और इनके बीच में हम नोट लगा देते हैं, तो इसीलिए मैंने एफर्मेटिव में भी इनको अलग अलग ही शो करा है। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। क्लियर हुआ सभी को? एक बार फॉर्मूला फिर से रीड कर लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट में आईएनजी का यूज होगा, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है, वह इस मकान में ''1984 से नहीं रह रही है, वह इस मकान में 1984 से नहीं रह रही है। तो लिखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करने वाले हैं सब्जेक्ट का, ठीक है, सब्जेक्ट है हमारा वह, वह के लिए हम यूज करने वाले हैं शी। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर नाउन, ठीक है, तो इसके लिए हम हैज पुट करेंगे, सी हैज, आफ्टर दैट फॉर्मूले में नॉट है तो नॉट पुट कर देंगे, सी हैज नॉट, आफ्टर दैट बीन, सी हैज नॉट बीन, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए वर्ब फर्स्ट, वर्ब क्या हो रहा है, रहना, रहने को बोलते हैं हम लीव, ठीक है, उसकी फर्स्ट फॉर्म में लग जाएगी आईएनजी, तो वो हो जाएगा लीविंग, लीविंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मकान, यानी कि इस यह मकान, ठीक है, ये सारा आपका ऑब्जेक्ट है, तो मे की आएगी इन, सी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस मकान के लिए हम दिस हाउस का यूज करेंगे, इन दिस हाउस। आफ्टर दैट सिंस या फोर पुट अप करेंगे हम, ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है वो तो सेंटेंस में पता चलेगी। देखिए 1984 ये पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है, निश्चित समय है ये 1984, तो सी हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस, आफ्टर दैट टाइम 1984। यहां तक सभी को क्लियर हुआ? सॉरी मैंने यहाँ प्लस लगा दिया, इसको हटा देंगे, सिंस 1984। सभी बच्चे नोट करें, उसके बाद एक और एग्जाम्पल आपको मैं कराने वाली हूँ। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैं 1 महीने से, 1 महीने से पत्र नहीं लिख रहा हूं, मैं 1 महीने से पत्र नहीं लिख रहा हूं। देखिए इसको बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मूला बोल रहा है हमारा सब्जेक्ट के लिए, सब्जेक्ट है हमारा मैं को इंग्लिश में लिखते हैं आई, ठीक है, आई। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हैज या हैव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा
been, ठीक है? After that been, I have not been. Verb first plus ing. Verb क्या हो रही है? लिखना. लिखने को बोलते हैं हम write. After that ing, तो writing हो जाएगा. I have not been writing. Object क्या? पत्र. I have not been writing the letter. Since या for, देखिए एक महीने से, तो इसके लिए हम for का यूज करेंगे. For one month, ठीक है? तो सभी बच्चे नोट करिए, उसके बाद हम इंटरोगेटिव सेंटेंस आपको पढ़ाने वाले हैं. बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस. इंटरोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप देखते हैं. फर्स्ट टाइप, ठीक है? तो इनमें लिखेंगे ये वाक्य, ये वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं. ये वाक्य क्या शब्द से शुरू होते हैं? तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे. फॉर्मूला में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है हमारी हैज या हैव, ठीक है? आफ्टर दैट सब्जेक्ट प्लस नोट. अगर सेंटेंस में नोट आएगा तो हम नोट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम नोट का यूज नहीं करेंगे. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बीन. देखिए बीन अब कितने पीछे पहुंच गया, है ना? देखिए इसी के बीच में आपका सब्जेक्ट भी आ गया, अब नोट भी आ गया, अब देखिए बीन कहां पहुंच गया. प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है? प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. देखिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में. हमारा अगर पूरा सेंटेंस भी राइट है और हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया है तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है, ठीक है? एक बार फॉर्मूला फिर से रीड करेंगे. हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क. अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं, ठीक है? नोट करिए इसको फॉर्मूला को एक बार, इसको फिर एग्जांपल देखते हैं. देखिए एग्जांपल नंबर वन, क्या तुम 2002 से इस मकान में नहीं रह रहे हो? ठीक है, क्वेश्चन मार्क. क्या तुम 2002 से इस मकान में नहीं रह रहे हो? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट. सब्जेक्ट है हमारा यू, यू है प्लूरल नाउन, तो इसके साथ हम हैव लगाने वाले हैं, तो हैव. आफ्टर दैट सब्जेक्ट है तुम के लिए हम यूज करने वाले हैं यू, हैव यू. आफ्टर दैट नॉट, देखिए सेंटेंस में नहीं आया है तो हम नॉट लगाएंगे. Have you not, after that been, have you not been, verb first, verb क्या हो रही है? रहना, रहने को बोलते हैं हम leave, इसमें लगेगी ing, have you not been living. After that object, object क्या है? इस मकान में, living in this house. After that, since या for, फिर time और after that question mark, ठीक है? Living in this house, देखिए point of time है, तो यहाँ पे since आएगा. Since 2002 और question mark, ठीक है? Clear हुआ सभी को? ये sentence note करिए, उसके बाद एक example और कराते हैं. देखिए example number second, क्या यह लड़की दो घंटे से
क्या यह लड़की 2 घंटे से खेल रही है? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यह लड़की, दिस गर्ल, एक के बारे में बात हो रही है तो ठीक है, यह सिंगुलर नाउन, तो हम यूज करने वाले हैं हैज का, हैज। आफ्टर दैट हमारा सब्जेक्ट है यह लड़की, दिस गर्ल। हैज दिस गर्ल, नोट हमारा है ही नहीं। आफ्टर दैट हम बीन लगाएंगे, ठीक है। वर्ब फर्स्ट, वर्ब क्या हो रही है? खेलना, इसमें लगेगी हमारी आईएनजी, तो खेलने को बोलते हैं हम प्ले। आईएनजी लगने के बाद वो बन जाएगा प्लेइंग। हैज दिस गर्ल बीन प्लेइंग, ठीक है। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा है ही नहीं, ओनली वर्ब पे एंडिंग है। वो क्रिकेट खेल रही है, क्या खेल रही है, कुछ पता नहीं है। ऑब्जेक्ट हमारा सेंटेंस में है ही नहीं, बस इतना पता है कि यह लड़की 2 घंटे से खेल रही है, तो इसको भी ड्रॉप कर देंगे। सिंस या फॉर, ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? 2 घंटे से, ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम फॉर का यूज करेंगे, फॉर 2 आवर्स, ठीक है। नोट करिए सभी बच्चे, देखिए इंटरोगेटिव सेकंड टाइप, इनमें क्या होता है, इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, ठीक है, लिखेंगे। इन वाक्यों के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जितने भी क्वेश्चन वर्ड होते हैं हमारे, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे, कितने, ये सब इनके बीच में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखेंगे, देखिए इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दोनों का फॉर्मूला लगभग सेम ही होता है, बस उसमें स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड लग जाता है, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड। आफ्टर दैट, जैसा हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट टाइप रहता है सेम ऐसा ही रहता है ये। After that, helping verb use हो रही है हमारी has या have plus subject plus note. अगर sentence में note है तो हम note का use करेंगे, otherwise हम note का use नहीं करेंगे। Plus been plus verb first plus ing plus object प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एक बार फिर से फॉर्मूला रीड करिए, क्वेश्चन वर्ड, आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, आफ्टर दैट सिंस या फोर प्लस टाइम और प्लस क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल, देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 1 देखेंगे, देखिए देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, वह एक सप्ताह से फुटबॉल क्यों खेल रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है हमारा क्यों, तो क्यों को हम वाई लिखते हैं, वाई। आफ्टर दैट हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब यूज होगी हमारी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है वह, वह है हमारा सिंगुलर नाउन, तो यहाँ पे हम हैज पुट अप करने वाले हैं, वाई हैज। आफ्टर दैट सब्जेक्ट वह, इसको हम ही लिखेंगे, Why has he? After that, not formula के according not आएगा, but not हमारा sentence में है नहीं, तो not हम नहीं लिखेंगे। फिर हम been put करेंगे, Why has he been? Verb first plus ing. Verb क्या हो रही है? खेलना, ठीक है, उसमें लगेगी ing, तो वो हो जाएगी playing. Playing. After that, object. Object क्या है हमारा? Football. Playing the football. Since या for, ठीक है, देखिए अब टाइम,
पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है? ये पीरियड ऑफ टाइम है, तो फोर आएगा। फोर एक सप्ताह से, इसको हम वन वीक भी लिख सकते हैं और अ वीक भी लिख सकते हैं। व्हाई हैज ही बीन प्लेइंग द फुटबॉल फॉर अ वीक, इसको हम अ वीक भी लिख सकते हैं और फॉर वन वीक भी लिख सकते हैं, दोनों में से हम कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो सभी को क्लियर हुआ? अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए, तुम्हारी बहन 2019 से कहाँ रह रही है? ठीक है, तो देखिए बनाते हैं सेंटेंस को। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड है कहाँ, कहाँ को लिखते हैं हम, वेयर। आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब हैज या है, तुम्हारी बहन, तो सब्जेक्ट है बहन, ये है सिंगुलर नाउन, तो हैज का यूज होगा, वेयर हैज। उसके बाद सब्जेक्ट तुम्हारी बहन, योर सिस्टर, वेयर हैज योर सिस्टर। उसके बाद देखिए नोट, सेंटेंस में कहीं आपको नहीं नजर आ रहा है, नहीं है ना, तो नोट का यूज नहीं होगा। वेयर हैज योर सिस्टर बीन, वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, वर्ब क्या हो रही है, रहना। ठीक है, तो रहने के लिए लीव का यूज होगा, लेकिन हम लीविंग करेंगे क्योंकि आईएनजी ऐड होनी है। वेयर हैज योर सिस्टर बीन लीविंग, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है ही नहीं क्योंकि पूछा जा रहा है कहां, तो ऑब्जेक्ट इसमें भी नहीं है। सिंस या फॉर, प्लस टाइम प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, देखिए ये है पॉइंट ऑफ टाइम, तो यहां हम सिंस का यूज करेंगे। सिंस, आफ्टर दैट टाइम, टाइम क्या है, 2019, आफ्टर दैट क्वेश्चन मार्क। देखिए, वेयर हैज योर सिस्टर बीन लिविंग सिंस 2019, क्लियर हुआ सभी को? तो देखिए आज आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के साथ। ठीक है, तो सभी बच्चे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।